हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीबीएसई टी पॉइंट में। आगे हम आज से अपना जो सॉल्यूशन था अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, आपको हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा दिया था, दो रिलेटिव लोअरिंग एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। क्या पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फॉर बोर्ड पर्पज। पूरी भाई एनसीईआरटी एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बस एक बुक लीजिए और जो हम पढ़ा रहे हैं अंडरलाइन कर रहे हैं, बुक को अच्छे से समझिए, क्लियर, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो आज हम अपना मतलब नेक्स्ट लेक्चर में तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से शुरू करते हैं। पहले फिर से रिकैप कर दूं, क्या पढ़ाया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे। क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, उसे क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। देखते हैं आगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमें प्रूफ करना होगा कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ कर देंगे। अगर ये मैं बता दूं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे केवल डिपेंड करता है तो हम जान जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉज लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमने क्या बोला, अगर वेपर प्रेशर, क्या बोला, अगर हम बोले कि जो वेपर प्रेशर है, क्या वेपर प्रेशर, क्या नाम दिए, वेपर प्रेशर अगर कम होगा, क्यों कम होगा भाई, बताए थे कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, कब, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो क्या होता है, वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। रीजन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट कम हो जाएगा, स्कैम्पिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए तो इसका उसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉयल बढ़ने लगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। नोट करिएगा ये चीज, फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वी नो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, अब डिफाइन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, द सॉलिड फेज इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। याद रखिएगा कि जब फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जो सॉलिड फेज होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज होता है, उसी को फ्रीजिंग पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है कि द सॉलिड सॉलिड फेज इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज। मतलब क्या, जब सॉलिड फेज और लिक्विड फेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे उसी समय हम क्या बोलेंगे, उसी समय हम क्या बोलेंगे, तो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट अचीव हो गया। आगे, थस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज, यहां से आएगा व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, यहां से टिक करिएगा, अंडरलाइन करिएगा, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर फेज प्रेशर इन द सॉलिड फेज। क्या समझ में आया, फिर से, द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज इट वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। मतलब क्या, ऐसा टेम्परेचर जब उसी कंपोनेंट का सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो जाए उसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर से बात समझिएगा, आएगा डिफाइन व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, बच्चों समझो, अगर हम कहें कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट तो सर आपको यह बताना होगा ना कि वह टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इन विच सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज ऑफ दैट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए उसी समय हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज क्लियर। आगे, अ सॉल्यूशन विद अ सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट एज इट क्लियर फ्रॉम अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से हमें पता है क्या, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड is added to the solvent, its vapor pressure decreases. अरे भाई यही तो चीज बोल रहा हूं कि वेपर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी कब, जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, क्या, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एड करेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या करेंगे, एड करेंगे, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगी, यही तो राउल्ट्स लॉ है। एंड नाउ इन इट वुड become more equal to that solid solvent at lower temperature, thus
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। एक चीज क्या क्लियर हो गई कि अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें, इफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, सो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है। मान लेते हैं, लेट लाइन है, अच्छा पहले ये ग्राफ बता देता हूं आपको। ये जो येलो है ये लिक्विड है, प्योर लिक्विड का येलो लाइन क्या दिखा रहा है, प्योर प्योर लिक्विड, और ये क्या, ये सॉल्यूशन का क्या, इतने कम हो गया, क्या कम क्यों हुआ, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, क्या वेपर प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस, तो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू कम हो गई। मतलब ये प्योर सॉल्वेंट का था येलो लाइन, और जो ये ब्लू लाइन है ये सॉल्यूशन का था। मतलब क्या कि जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हुआ, वेपर प्रेशर कम होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गई, क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। आगे मान लेते हैं टीएफ नॉट बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीएफ नॉट मान लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, प्योर सॉल्वेंट, एंड टीएफ बी इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, when non-volatile solute is dissolved in it, the decrease in freezing point, कैसे ये हमको बताया गया कितना डिक्रीज हुआ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू प्योर माइनस सॉल्वेंट, प्योर माइनस सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब कम होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये इक्वेशन आप लिख दीजिएगा कि इक्वेशन होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे सिमिलरली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिस तरह एलिवेशन हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, हमने वहां बताया था। तो हम क्या सकते हैं, टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई सॉल्वेंट इन केजी, वही तो मोलैलिटी होती है। हम ये इक्वेशन अटेंड किए, ये के एफ क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट इसी को बोलते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। द यूनिट ऑफ केएफ इज केल्विन केजी पर मोल, वैल्यू ऑफ केएफ फ्रॉम कॉमन सॉल्वेंट आर लिस्टेड इन टेबल इफ डब्ल्यू टू बी द ग्राम। अच्छा अब उस इक्वेशन को पूरा लिख देते हैं, मोलैलिटी क्या होता है, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू अपॉन डब्ल्यू वन इन 2000। इस वाली इक्वेशन, ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया एम टू। इससे क्या, एम टू मतलब सॉल्यूट का मोलर मास निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, सॉल्यूट का हिंदी में लिख दे रहे, सॉल्यूट का मोलर मास निकल जाएगा, क्या मोलर मास निकल जाएगा, सॉल्यूट का मोलर मास निकल जाएगा एम टू से। इतनी बात क्लियर है, इट इज क्लियर। आगे देखते हैं, Thus, for determining the molar mass of the solute, should we know the quantity of W and W? अच्छा ये है, तो अगर Kf क्या था, 1000 into delta fuse H, इसी तरह Kb भी हमको ये वैल्यू, ये दोनों इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। आगे हम बात करते हैं, ये सब दिया है। Here the symbol R and M1 stand the gaseous constant and molar mass of the solvent respectively, and TF and TB denote the freezing point and the boiling point of the pure solvent respectively in Kelvin. Further, fusion enthalpy of fusion and vaporization represent the enthalpy for fusion and vaporization, लिखा है solvent। अब ये कुछ values हैं, इसमें आपको एक या दो याद कर लीजिए और बाकी वैल्यू दी रहेगी। वैसे वाटर का केएफ की वैल्यू पूछा जाएगा, केएफ की वैल्यू 1.86, केबी की वैल्यू 0.52। ओके, इथेनॉल या और बेंजीन का याद कर लीजिए आप, वाटर और बेंजीन का जरूर याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं,
एग्जाम्पल, इसका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही आते हैं, एग्जाम्पल ही आते हैं। इस बार स्टार मान लीजिए 1.9 आएगा। क्या क्वेश्चन है? 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट पहला द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज की वैल्यू हमको पता इक्वेशन से, क्या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो वहां से पहले हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ इथिलीन, क्योंकि मोलैलिटी निकालना होगा, मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा, इसीलिए मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मतलब ग्लाइकोल इथिलीन ग्लाइकोल का पहले क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो यहां से हम क्या किए, गिवन अपॉन मोल और मास कर देंगे, तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोल निकल गया। अगर हम मास ऑफ वाटर निकाल लें इन केजी, तो हमारा ये केजी में आ गया मास। ठीक, मींस मोलैलिटी यहां से हो जाएगा मोल्स डिवाइड बाय सॉल्वेंट इन केजी, तो हमारे पास मोलैलिटी क्या आ गई, 1.2 मोल पर केजी। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्लियर हो जाए, क्या डेल्टा टी एफ इंटू 1.86, और ये मोलैलिटी की वैल्यू है, ये टी एफ की वैल्यू है, के एफ की वैल्यू है। अरे भाई डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में मोलैलिटी, यही तो करते थे। आंसर क्या आ गया, 2.2 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट में हम माइनस करते हैं, तो भाई फ्रीज हुआ कितने, कितना चेंज हुआ 2.2 का, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारी पास क्या आ जाएगी, 279.95। मतलब जो चीज फ्रीज हो रहा था 273 पे, अब वो फ्रीज हो रहा है 270.95। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि फ्रीजिंग पॉइंट नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट, फ्रीजिंग पॉइंट नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट एड करने पे, एड करने पे फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, वैसे कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इट इज क्लियर। आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वॉलेटाइल एक ही शब्द है। डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन पर केजी पर मोल, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट हमको पता है। अच्छा, एम टू की वैल्यू इक्वेशन हमने बताया था, पहले फिर से रिवाइंड कर दें, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हमको पता है, के एफ इंटू में मोलैलिटी, और हम मोलैलिटी के लिए एम टू अपॉन डब्लू टू इंटू 1000 करते थे, यही वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ पे, एम टू इज इक्वल टू इतना 1000 ऊपर चला जाएगा, यहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया 256 ग्राम पर मोल। बहुत आसान क्वेश्चन है, यही सब आएगा आपको। ठीक है, इट इज क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें एक चीज बताना भूल गए, सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि डेल्टा टी एफ क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता था। भाई हम प्रूफ कर दिए कि फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि जो चेंज निकाल रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मोलर मास के या मोलैलिटी के, क्या मोलैलिटी के लिए। हेंस इट इज प्रूफ दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज, फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज ओके। आगे भाई एक एक लाइन एनसीईआरटी के आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आगे अब नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोटिक, हमारा चौथा है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बात को समझिएगा, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको प्रूफ करना है। देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन है, देयर आर मेनी फिनोमिना विच वी एब्जॉर्व इन द नेचर और एट होम, फॉर एग्जाम्पल रॉ मैंगो सर्व्ड व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन सॉल्ट वाटर, विल्टेड फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, ब्लड सेल कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सैलीन वाटर एक्सेट्रा। इफ यू लुक इन टू दीज प्रोसेस वी फाइंड वन थिंग कॉमन इन ऑल, All these substances are bound by membrane. These membrane can be animal or vegetable origin, and these occur as naturally, such as pig bladder or parchment, or can be synthetic, such as cellophane. These membrane which appear to be continue sheets or films, एट दे कॉन्टेन
द कॉन्टेन नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोप और होल और पोर, सिमिलरली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लाइक वॉटर, उसी तरह वॉटर मॉलिक्यूल, उसी तरह वॉटर मॉलिक्यूल, सिमिलरली वॉटर मॉलिक्यूल कैन बी पास थ्रू दीज होल्स, बट द पासेज ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल लाइक सॉल्यूट इज हिंडर्ड. मेम्ब्रेन हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आर नोन एज सेमी परमीबल मेम्ब्रेन. अरे भाई ऐसे समझो, स्मॉल स्मॉल जो मेम्ब्रेन में पोर्स हो, जो फिल्ट का काम एक तरह से करे, उसी को क्या बोलते हैं एसपीएम. ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको आना चाहिए क्या सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या होता है. बताइए मेम्ब्रेन में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से एक्ट करता है जब फिल्टर का या पोर का, उसी को क्या बोलते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन. आगे एज्यूम दैट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू दी सेमी मेम्ब्रेन. मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल है, कुछ सॉल्वेंट, लेकिन ये एज्यूम हम कर लेते हैं कुछ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगाने के बाद केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास पार हो रहा है, सॉल्यूट नहीं. दिस मेम्ब्रेन एंड सॉल्यूशन आई शोन इन फिगर, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. कहां से? प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन. दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ दिस सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस. क्या बोलेंगे? मिक्स था तो उसमें केवल प्योर सॉल्वेंट ही पास हो, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस. हो सकता है एक नंबर में आ जाए, डिफाइन ऑस्मोसिस. आगे हम बात करते हैं द फ्लो विल कॉन्टिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन. The flow will be continue till the equilibrium attain. तब तक होगा जब तक दोनों का concentration, outer का and inner का बराबर ना हो जाए, उस समय equilibrium establish होगा. मतलब क्या? जब equilibrium establish हो जाएगा तो वो process बंद हो जाएगी, तो concentration की मात्रा बराबर हो जाएगी. Again, the flow of solvent from its side to solution and side across semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution. This pressure that just stop the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution. अच्छा, कभी कभी क्या हम प्रेशर की वजह से उसको उस फ्लो को रोक देते हैं, वो जो प्रेशर उसमें लगेगा उसे बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. आगे द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डायल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन अक्रॉस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू ऑस्मोसिस. क्या लिखा? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मतलब अगर डायल्यूट से कंसंट्रेशन में जाना हो, डायल्यूट से कंसंट्रेशन में जाना हो तो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस. द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. यही लाइन आपको एग्जाम में नंबर दिलाया गया. क्या हम कहेंगे? हमेशा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑलवेज फ्रॉम फ्लो होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे. अब सॉल्यूशन, द ऑस्मोटिक प्रेशर हैज बीन फाउंड डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. वो किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूशन पे. आगे हम बात करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट अप्लाई टू a solution to prevent osmosis. The osmotic pressure of solution is the excess pressure that must be applied to solution to prevent osmosis that stop the passage of solvent molecule through the semi-permeable membrane into the solution. बात को समझिएगा, osmotic pressure वो pressure है जो लगाते हैं कि flow of solvent पूरी ना हो, मतलब रोक सके, उस समय क्या बोलेंगे? osmotic pressure. This is illustrated in the figure. Osmotic pressure is a कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल. हमें ये चीज क्लियर हो गई कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सारा काम सॉल्वेंट का आ रहा है. मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्यों? ये डिपेंड कर रहा है केवल सॉल्यूट मॉलिक्यूल पे, नॉट ऑन दियर आइडेंटिटी. फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर. क्या यहां से इक्वेशन देखते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैरिटी के. मान लेते हैं n क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू सी आर टी. एन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर और c क्या है? कंसंट्रेशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, r इंटू टू. ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा,
Okay, here V is the volume of solution in liter and N2 is the moles of solute. Moles of solute है, N2 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, given weight, N2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, given weight upon molar mass, given weight upon molar mass. तो इस वाली इक्वेशन पे अगर हम ये रख दिए तो यहां से M2 की वैल्यू हमको निकल जाए, इक्वेशन आ गया M2 is equal to W2RT upon pi V. pi ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम बोल देंगे इसका नाम. आगे हम बात करते हैं, इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, इससे क्या निकल जाएगी, इस वाले से हमें क्या निकल जाएगा, इससे हमको मोलर मास क्या निकलेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा. और हमको यही तो निकालना था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट ही तो निकालना होता है. आगे मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ, दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन. अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर का एप्लीकेशन कहां कहां होता है, प्रोटीन नापने में, पॉलीमर एंड अदर्स, मतलब प्रोटीन को मेजरमेंट करने में, पॉलीमर के मेजर करने में यूज होता है, कहां, ऑस्मोटिक प्रेशर. आगे हम देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मेथड एज द एडवांटेज ओवर अदर मेथड, प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर एंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी. यहाँ पे इसका एक और फायदा है ऑस्मोटिक प्रेशर का, कि यहाँ पे हम मोलैलिटी का यूज ना करके मोलैरिटी का यूज करते हैं. एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्जर, जो अदर तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन. द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज पार्टिकली यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर एंड पॉलीमर है पुअर सॉल्युबिलिटी. इस ऑस्मोटिक का एक और अच्छा चीज है कि जैसे पॉलीमर सॉल्युबल कम होता है वहां यूज हो जाता है, और जो बायोमोलिक्यूल जो ज्यादा स्टेबल है वहां पे, क्यों, यहां पे बताया ना कि पार्टिकली फॉर, अच्छा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लार्जर होता है, किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का. आगे देखते हैं, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम, अच्छा यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चलेगी, अब यहां पे आप लोग अंडरलाइन करिएगा. देखिए, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. क्या बोले, अगर टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट किसी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, क्या लिखा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी दो सॉल्यूशन का जब बराबर हो जाए, पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, उस समय इस कंडीशन को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. व्हेन सच सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, नो ऑस्मोसिस अकर बिटवीन देम. फॉर एग्जांपल, द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ 0.9% मास बाय वॉल्यूम. सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मल सैलिन सॉल्यूशन इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंटरवीनियसली. ऑन अदर हैंड, इफ वी प्लेस द सेल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड दे वुड श्रिंक. सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि अगर हम कहें, एक हाइपोटोनिक होता है एक हाइपर, हम कहें कि जब एक सॉल्यूशन बढ़ जाए, क्या ये आइसोटोनिक का है, अगर हम दो सॉल्यूशन में पाई वन इज ग्रेटर देन पाई टू हो जाए, उस समय हम सॉरी पाई वन इज लेस देन पाई टू हो जाए, इसको बोलेंगे क्या, इस सॉल्यूशन का नाम देंगे हम हाइपरटोनिक. और हाइपोटोनिक में पाई वन इज ग्रेटर देन पाई टू, हाइपोटोनिक. इन दिस केस वॉटर विल फ्लो इन टू द सेल इफ प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन एंड दे वुड स्वेल. बात को समझिएगा, तीन सॉल्यूशन जब ऑस्मोटिक प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बराबर हो जाए, उस समय हम बोलेंगे सॉल्यूशन को क्या है, आइसोटोनिक. अगर हाइपरटोनिक होगा तो एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, दूसरे में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पाई वन की वैल्यू ग्रेटर होगी पाई टू से. आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल हमारे पास, अब इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं.
200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी इतना बार. कैलकुलेट मोलर मास. भाई अभी तो बताया था फॉर्मूला लगा दो मोलर मास का. वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया, आर तो यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास मोलर आ जाएगा 61,022 ग्राम पर मोल. यही तो निकालना था. क्या निकालना था भाई हमको? मोलर मास निकालना था. सीधे फॉर्मूला रख दिए, एम टू की वैल्यू निकल गई. द फिनोमिना मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन कैन बी एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस. अ रॉ मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन लूज वाटर वाया ऑस्मोसिस एंड स्रिव्ड इनटू पिकल. वेल्टेड फ्लावर रिसीव्ड व्हेन प्लेस्ड. अच्छा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, या फिर हम कहेंगे इसका एप्लीकेशन है. कब? ऑस्मोसिस का. किसका एप्लीकेशन है? ऑस्मोसिस का ये एप्लीकेशन है. आप लोग ये लाइन पूरा पढ़ लीजिएगा. दीज आर द इंपॉर्टेंट लाइन. आप लोग यहां तक आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा. पूछा जाएगा कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, राइट द एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस. टिल यहां तक, जहां तक अंडरलाइन किया आप लोग पढ़ लीजिएगा. आगे हम देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन. क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर. अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड. दिस इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इज वन ऑफ द ग्रेट प्रैक्टिकल. अब क्वेश्चन आया, सर व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? अरे भाई, जब प्रेशर हम प्योर सॉल्यूशन का ज्यादा कर दिए, या हम कहें कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा लगा दिए. यहां लिखा है ना, द डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ प्रेशर लार्जर देन दैट ऑफ ऑस्मोटिक. जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा हम प्रेशर लगा दिए, उसमें जो फिनोमिना बनेगी उसी को क्या नाम देंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस हैज मेनी एप्लीकेशन. सच एज इज यूज इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर का मतलब सॉल्टी सॉल्ट कम करना. आगे, अ सिस्टमेटिक सेटअप फॉर द प्रोसेस इज शोन इन फिगर. व्हेन प्रेशर इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, प्योर वाटर इज स्विच्ड आउट ऑफ द सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन. अ वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पस. द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई. अ वर्केबल पोर्स मेम्ब्रेन इज अ फिल्म ऑफ सेलुलोज एसिटेट ओवर अ सुटेबल सपोर्ट. सेलुलोज एसिटेट इज अ परमीबल टू वाटर बट इम्परमीबल टू द इम्प्योरिटी एंड आयंस प्रेजेंट इन सी वाटर. दीज डे मेनी कंट्री यूज डिसैलिनेशन टू मीट दियर पोटेबल वाटर रिक्वायरमेंट. मतलब ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस का है, बहुत देशों में क्या चल रहा है? एप्लीकेशन. क्यों? डेली नीड वाटर हो जाए. क्यों? जो समुद्र का पानी है, खारा है, उसको नॉर्मल में यही रिवर्स ऑस्मोसिस यूज कर दिया जाता है. मतलब क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस है मेनी मेनी एप्लीकेशन नाउडेज. बस रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या जानते हैं कि हम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा देंगे. आगे बात करते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट. इतना कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्साइटेड बाई सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई डिजोल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ पॉलीमर मोलर मास. इतना दिया, इतना ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है आपको. पाई इज इक्वल टू सी आर टी लगा देना है. पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वन नंबर ऑफ मोल्स है, गिवन अपॉन मोलर मास कर देना है. वो फॉर्मूले से आप कर लीजिएगा. फिर भी आपके जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और जो जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है पूरा आपको कराया जाएगा. एज ए पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है. आगे आगे नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक को एबनॉर्मल मोलर मास. क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मास? वी नो दैट आयनिक कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू द कैटायंस एंड एनायन. मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं NaCl है. क्या है? NaCl. NaCl जब Na प्लस और Cl माइनस क्या हो जाए? टूट जाए. हम क्या बोलेंगे? आयनिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है जब डिसॉल्व होगा तो कैटायन और एनायन में टूट जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिजोल्व वन मोल ऑफ KCl
In water, we expect 1 mole of K plus and Cl minus to be released in solution. If these happen, there would be 2 moles particles in the solution. If we ignore inter-ionic interaction, 1 mole of KCl in 1 kg of water will expected to increase the boiling point of ethana. Now, if we did not know about the degree of dissociation, we could lead to conclude that the mass of 2 mole particle is ethana and the mass of 1 mole of KCl would be ethana. This brings into light the rule that when there is dissociation of solute into ion, experimentally determined molar mass is always lower than the true value. ये लाइन आप अंडरलाइन करिएगा कि जब भी डिसोसिएट होगा सॉल्यूट मॉलिक्यूल के एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो मोलर मास की वैल्यू आएगी वो कम आएगी. अरे क्यों, KCl था, KCl हम कहें कि डिसोसिएट हुआ K प्लस और प्लस Cl माइनस में, K प्लस एंड Cl माइनस में, जैसे एसिटिक एसिड है तो टूटेगा तो CH3CO माइनस, तो क्या बनेगा CH3CO माइनस एंड H प्लस. तो मॉलिक्यूल ऑफ इथनोइक एसिड dimerize in benzene due to hydrogen bonding. This normally happen in solvent of low dielectric constant. This solvent ka low dielectric constant hoga, wahan pe dimerize ho jata hai. In this case, the number of particle is reduced. Kya particle reduce ho jate hai? Due to dimerization. Association of molecule detected as follow. It can be undoubtful steadily here that if all the molecule of ethanoic acid associate in benzene, then TF and TB of ethanoic acid will be half of the normal value. The molar mass is calculated on the basis of TB and TF will be there. Therefore, we twice the expected value. Such molar mass that is either lower or higher than the expected normal value is called abnormal molar mass. बात को समझिएगा. इस पूरे पैराग्राफ में आपसे पूछेगा abnormal. जो उसकी true value है. हम कहें किसी भी compound या किसी भी molecule की जो एक्चुअल वैल्यू है या तो कम आ जाए या तो ज्यादा आ जाए. ज्यादा केस में हम केसीएल लिए थे, उसमें ज्यादा आ जा रहा था, और एसिडिक एसिड के केस में कम आ जा रहा था ड्यू टू डाइमराइजेशन के कारण. मतलब क्या, अगर मोलर मास किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का मोलर मास कम आ जाए या ज्यादा आ जाए उसी को ही क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूल. वो कुछ भी कारण, जैसे एसिडिक एसिड के केस में डाइमराइजेशन के कारण नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जा रहे थे, उसी तरह केसीएल में एक एसिटिक एसिड केसीएल के केस में जो एक आयनिक कंपाउंड है उसमें मोलर मास की वैल्यू बढ़ जा रही थी. मतलब क्या, या तो मोलर मास की वैल्यू ज्यादा आ जाए या कम आ जाए एक्सपेरिमेंटली ट्रू वैल्यू से, उस समय हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. क्वेश्चन आएगा डिफाइन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. क्लियर है, या तो कम या ज्यादा आ जाए ट्रू वैल्यू से एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास. आगे आगे बात करते हैं. बस चैप्टर खत्म होने वाला है. इन 1880 वेंटहॉफ एक केमिस्ट थे, इंट्रोड्यूस अ फैक्टर आई. आई क्या है, वेंटहॉफ फैक्टर, नोन एज वेंटहॉफ फैक्टर टू काउंट फॉर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन. दिस फैक्टर इज आई डिफर. अच्छा, एबनॉर्मल मास जो है इतना कम आया इतना ज्यादा आया ट्रू वैल्यू से, उसको डिटरमाइन करने के लिए एक फैक्टर आया आई, जिसको वेंटहॉफ फैक्टर कहते हैं. क्वेश्चन आएगा व्हाट इज आई, तो बताइए कि इट इज वेंटहॉफ फैक्टर टू डिटरमाइन वेदर द मोलर मास इज मोर और लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू. मतलब ये एक मीजर करने का तरीका है. देखते हैं, I इज इक्वल टू फॉर्मूला दिया था, I इज इक्वल नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल, जो ट्रू वैल्यू थी अपॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या इसी को अब्सॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेट, या इसी को बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. हेयर एबनॉर्मल मोलर मास इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ऑब्टेन्ड बाई एज्यूमिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is neither associate or not dissociate. In case of association, value of I is less than the unity. अगर हम क्या बोलें कि association के केस में I की value 1 से कम होगी,
आई की वैल्यू वन से कम होगा तो एसोसिएशन, अगर आई की वैल्यू ज्यादा होगी वन से इसी को क्या नाम देंगे, डिसोसिएशन। क्या नाम देंगे, डिसोसिएशन। प्लीज क्लियर कर लीजिएगा, आई क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू अपॉन एबनॉर्मल वैल्यू होती है। अगर आई की वैल्यू वन से कम तो हम क्या बोलेंगे, उसका नाम एसोसिएशन होगा। इफ द लेस वाइल डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ आई फॉर एक्वस सोल्यूशन के एस सोल्यूशन इज क्लोज टू टू वाइल द वैल्यू ऑफ इथनोइक एसिड ऑफ बेंजीन इज नियरली जीरो। मतलब अगर जिसकी आई की वैल्यू लेस देन यूनिटी होगा तो क्या होगा, वहां पे एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन के केस में वन से आई की वैल्यू बड़ी होगी। इंक्लूजन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर मॉडिफाइड द इक्वेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम निकालते हैं P, यही तो हम बात पढ़े थे आरएलवीपी में, P1 is equal I into 2N upon N1। ये इक्वेशन अगर P1 से डिवाइड कर दिए तो हमको क्या आ जाएगा, यहां से हम I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। I की वैल्यू जैसे डेल्टा, जैसे हम पढ़ते थे डेल्टा टीएफ में, यही तो हम बताए थे टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू में मोलैलिटी। बस इसके आगे ही इस इक्वेशन को अगर हम वेंट हॉफ से निकालें आई इंटू के बी इंटू एम कर देंगे, आई इंटू के बी इंटू एम कर देंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा। आई यहां हम निकाल लेंगे क्या कि कितना एबनॉर्मल मास आ रहा है, कम ज्यादा। अगर आई की वैल्यू लेस देन यूनिटी हो जाएगी, लेस देन वन हो जाएगी तो एसोसिएशन, आई की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा तो डिसोसिएशन। तो ऐसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, अभी बताया डेल्टा टी एफ इज इक्वल आई के बी एम, डिप्रेशन इन फ्रेजिंग में डेल्टा टी एफ, ऑस्मोटिक प्रेशर के एन इज इक्वल टू आई एन आर टी बाई वी, आई बस लग जाएगा। आगे बात करते हैं हम, अच्छा आई की वैल्यू इसमें दिया हुआ है, यह टेबल में दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या दिया है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर बेंजीन इज इतना, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितना दिया है, 4.9। वॉट परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर, बताया था ना आई की वैल्यू जब लेस देन वन हो जाएगा तो एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन वहां होगा जहां डाइमर होगा, डाइमर का मतलब जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाए, क्या हो जाए, कम। क्वेश्चन नगद डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमको पता है, एम टू यहां से निकाल लेंगे, डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग इन पॉइंट में एम टू निकाल लेंगे, यहां से एम टू की वैल्यू हमारी इतनी आई, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इतना, एक्सपेरिमेंटली तो हम ये निकाले ना कितना आया कितना कम हुआ, तो हम ट्रू वैल्यू से मैच कर लेंगे। एसोसिएशन के केस में हमारा यही तो है, ये इक्वेशन हमारी, एक सेकंड देखते हैं, यहां से हम एसोसिएशन देख रहे हैं, यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गए, कम हो गए, तो हमको क्या पता है आई के फॉर्मूला में 1 - x + x/2 = 1 - x, तो आई क्या होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एब नॉर्मल मोलर मास कर देंगे। अब जो नॉर्मल वैल्यू आई है 122 और नॉर्मल वैल्यू 122 डिवाइड बाय 241, हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो डिसोसिएशन कितना है 0.9। देयरफॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड ऑफ बेंजीन इज 99.2%, था इनटू में 100 कर दिया।